गुलहरिया पुलिस ने लग्जरी कार से लूटपाट करने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि मुखबिर की सूचना से दो अभियुक्तों को मंगल स्थान तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान महमूद जाकिर अली पुत्र जाकिर अली निवासी भंभौर टोला गढ़िया थाना गुलहरिया जनपद गोरखपुर, दूसरा अजय निषाद उर्फ भज्जन निषाद पुत्र श्यामरती निवासी ग्राम भभौर टोला गढ़िया थाना गुलहरिया जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से एक मोबाइल 4100 नगद एक लग्जरी कार बरामद किया गया है। एसपी नार ने बताया कि 30 दिसंबर को सुरजीत जायसवाल पुत्र स्वर्गीय लालू निवासी भंभौर टोला रखही थाना गुलहरिया गोरखपुर द्वारा थाने में लूट का मुकदमा पंजीकृत करवाया गया था तथा सीसीटीवी फुटेज सर्विलांस के सहयोग से दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि अपने महंगे शौक पूरा करने व नशा करने के लिए 30 दिसंबर को हम दोनों व्यक्तियों ने मिलकर टोला रजई से केवटलिया की तरफ से एक व्यक्ति से 7000 रुपये और एक मोबाइल फ़ोन लूट लिया था, जिससे हम लोगों ने आपस में बांट लिया था। उन्होंने बताया कि अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में गुलहरिया थाना प्रभारी चंद्रहास मिश्र, उपनिरीक्षक शैलेंद्र शुक्ला, कांस्टेबल दुर्विजय यादव सहित यशवंत यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, दिनांक 31/12 को वादी सुरजीत जायसवाल अपनी टीवीएस मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहे थे। रास्ते में पुलिया पर टीवीएस खड़ी करके और पेशाब करने लगे। पीछे से ये दो व्यक्ति कार से आए और उनके पास से मोबाइल और 7000 रुपये थे। रात में ही प्रयास करके क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी घटना का खुलासा किया गया, जिसमें वो कार बरामद की गई, जो घटना में प्रयोग की गई जो मोबाइल लिखा गया था वो बरामद किया गया और पैसे बरामद किए गए। जो व्यक्ति को गिरफ्तार किया पूर्व का अपराधी इतिहास नहीं है, नशा वगैरह करते हैं, जिसके कारण ये लूटपाट की घटना।